माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूँ। पूरा देश एक ही मकसद पर काम कर रहा है, कोरोना से युद्ध। इस युद्ध के भाग रूप अहमदाबाद शहर के 7 पुलिस स्टेशन विस्तारों में कर्फ्यू लगाया गया है। ये कदम इन विस्तार के लोगों की हित में लिया गया है, इसलिए लोगों से सहकार की अपेक्षा है। किसी भी प्रकार के अफवाहों से दूर रहिए, इन विस्तारों में आवश्यक चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी। इन विस्तार की महिलाओं से अपील है कि जब भी आप खरीदारी के लिए बाहर जाएं, तो हमेशा सोशल डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के बीच में एक नियत फासला रखें। कर्फ्यू वाले सभी विस्तारों में पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अहमदाबाद में 17 गुना दाखिल किए गए हैं। राज्य में दूसरी कोई जगह पे कर्फ्यू ना लगाना पड़े, इसलिए सभी से अपील है कि लॉकडाउन का सख्ती से अमल करें और कराएं। दूसरे राज्यों से आए हुए श्रमिकों की संख्या जहां ज़्यादा है, ऐसे सूरत और बाकी जगहों पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, स्थानिक आगेवान, मालिक और प्रशासन साथ रहकर संवाद कर रहे हैं और श्रमिकों की संख्या हल की जा रही है। आपके जरिए से भी अपील है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, यातायात के माध्यम बंद हैं, श्रमिक गांव नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहें और उसी जगह पे प्रशासन आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहा है। एपीएमसी मार्केट्स खुलने की दिशा में है और वहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना और उसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे जगहों पे पुलिस बंदोबस्त भी लगाया जाएगा और ज़रूर पड़े तो ड्रोन और सीसीटीवी के मार्फत से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। तबलीग जमात के लोगों द्वारा लॉकडाउन का भंग किए जाने की 3 घटना कल ध्यान पे आई है। महाराष्ट्र के भुसावल से जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गुजरात से कुछ लोग गए थे। गांधीनगर के 2 लोग और मेहसाना के 3 लोगों ने कल गुजरात वापस आए हैं। ऐसी खबर मिलने पे मेहसाना में 1 और गांधीनगर में 2 ऑफेंसेस दाखिल किए गए हैं। इनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, परिणाम बाकी है और इनको क्वारंटाइन किया गया है। आज तक शूरा जमात के लोगों के सामने कुल 4 गुने दाखिल हुए हैं। ड्रोन के फुटेज की मदद से कल कुल 295 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 69 गुना दाखिल किए गए हैं। आज तक राज्य में ड्रोन की मदद से कुल 5,561 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 913 गुना दाखिल किए गए हैं। अफवाह और गलत मैसेज के प्रसार के मामले में आज तक 292 गुने दाखिल किए गए हैं और 568 लोगों की अटकायत की गई है। एएनपीआर के एनालिसिस से आज तक 84 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा किए गए शूटिंग के आधार पर आज तक 105 गुना दाखिल किए गए हैं।